तो यारो, आईएसएल का ये सीजन खत्म हो गया और हमको मिल गया एक नई चैंपियन। कॉन्ग्रेचुलेशन टू एटीके मोहन बगान और उसके फैंस। और इसके साथ ही खुशी को डबल करते हुए एटीके मोहन बगान के को ओनर संजीव गोयनका ने अनाउंस कर दिया कि मोहन बगान का नाम अभी एटीके मोहन बगान से बदल के हो जाएगा मोहन बगान सुपर जॉइंट। इस अनाउंसमेंट ने मोहन बगान के समर्थकों को बहुत खुशी दे दी। और एक अनाउंसमेंट करना है, हमारे चैनल में जो पुल हुआ था जो आईएसएल चैंपियन कौन बना, उस पुल 80 के ऊपर वोट आया और वोटों के हिसाब से मोहन बगान ने अच्छी तरह से उसमें लीड कर रहा था और चैंपियन में बन गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू हमारे कम्युनिटी को जो पहले से सही गेस किया, और मोहन बगान समर्थकों ने अपने टीम को सपोर्ट भी बहुत अच्छे तरह से किया, ठीक है। लेकिन अभी हम आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में सारे समर्थक एक जगह 100% हो जाएंगे, क्योंकि आज का टॉपिक है टीम इंडिया के बारे में। क्योंकि फुटबॉल का नेक्स्ट असाइनमेंट शुरू होगा बुधवार यानी 22 मार्च से, और इसमें एक होगा ट्राई नेशन मुकाबला जिसमें भारत, म्यांमार और किर्गिस्तान ने हिस्सा लेगा। मैच होगा मणिपुर के इम्फॉल में, और ये मैच सारे आप 6 बजे से हॉटस्टार और स्टार प्लस नेटवर्क में लाइव देख सकते हैं। मैच का शेड्यूल कुछ इस तरह से है। पहला मैच है इंडिया और म्यांमार के साथ, जो होगा 22 मार्च को 6 बजे से। उसके बाद होगा म्यांमार और किर्गिस्तान रिपब्लिक, और इस मैच का आखिरी मुकाबला होगा इंडिया और किर्गिस्तान के साथ जो 28 मार्च को होगा। ये सारे मैच 6 बजे से होगा और खेला जाएगा कुम्पम लंपक स्टेडियम जो कि मणिपुर में है। अभी तीनों टीम की अगर फीफा रैंकिंग की बात करें तो अभी इंडिया का करंट फीफा रैंकिंग है 106 पे, वहीं पे म्यांमार में है 159 और किर्गिस्तान का है 94। तो जाहिर सी बात है ये तीनों मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है और भारत के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट मुकाबला रहेगा। अब देख लेते हैं ये इम्पोर्टेंट सीरीज के लिए इंडिया ने स्क्वाड का चुनिया। इंडिया के 23 जन के स्क्वाड में गोलकीपर में है गुरप्रीत सिंह संधू, फुटबॉल लचिन पा और अमरिंदर सिंह गोलकीपर में है, डिफेंडर में संदेश जिंगन, रोहन सिंह, अनवर अली, आकाश मिश्रा, चिंगलेस कोनासन, राहुल भेके, मेहताब सिंह और ग्लेन मार्टिन्स, और मिडफील्डर में सुरेश बंगजा, रोहित कुमार, अनिरुद्ध थापा, ब्रेंडन फर्नांडिस, यासिर मोहम्मद, ऋतिक दास, जैक्सन सिंह, ललन चुगा शांते और बिपिन सिंह मौजूद है। और फॉरवर्ड पोजिशन में आपको देखने को मिल जाएगा इंडिया टीम में मनवीर सिंह, सुनील जत्ती और शिव शक्ति नारायण। इस टीम में वो बदलाव पॉपुलरिटी हो चुका है क्योंकि उसके कारण शिव शक्ति नारायण और ग्लेन मार्टिन इस टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। उसकी जगह इस टीम में आ जाएंगे प्रीतम कोटर और नेवरे महेश सिंह। अभी देख लेते हैं कि इंडिया का बेस्ट इलेवन स्टार्टिंग में क्या हो सकता है। गोलकीपर में तो शायद गुरप्रीत सिंह संधू ही रहेंगे। डिफेंडर की जगह में दो सेंटर बैक में दिख जाएगा अनवर अली और संदेश जिंगन, और राइट बैक पे आपको देखने को मिलेगा रोशन सिंह, और लेफ्ट में देखने को मिल जाएगा आकाश मिश्रा को। और अगर मिडफील्डर की बात करें तो सेंटर मिडफील्डर में दो मिडफील्डर हमारा रह सकता है, सुरेश सिंह और अनुरुद्ध थापा, जिसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और आगे जाने से हमको राइट विंग में दिखेगा छांगते, और अटैकिंग मिडफील्डर में आप ब्रेंडन फर्नांडिस को देख सकते हैं। लेफ्ट विंग से ऑपरेट करेंगे ऋतिक दास, और सेंटर फॉरवर्ड होके या फिर सुनील छेत्री या फिर आप मनवीर सिंह को देख सकते हैं। ये रहा हमारा बेस्ट इलेवन। आप चाहे तो आपका प्लेइंग बेस्ट इलेवन भी हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और शायद इस टीम में आईएसएल का गोल्डन ग्लव्स विशाल कैथ को हम लोग मिस कर रहे हैं। मुझे तो विशाल कैथ की जगह इसमें बनना चाहिए था, मुझे लग रहा है। आपको क्या लगता है, वो भी हमको कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। खेल में साथ जुड़ रही है और भारत में हो रहे सारे इंपॉर्टेंट खेल का खबर आपको तुरंत अपडेट एनालिसिस सारे कुछ इस चैनल में मिल जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।